दोस्तों आपको देखिए इस वीडियो में ये देखने को मिल जाएगा कि हम नैनो ग्रेनाइट कैसे कटिंग करें या नैनो हार्ड ग्रेनाइट कैसे कटिंग करें या G5 कैसे कटिंग करें। इसमें जो आप देख रहे हैं ये कटिंग करते समय फट गया है, तो आज की वीडियो दोस्तों इसी पे बन रही है। और वीडियो दोस्तों पूरा कंप्लीट देख के जाइए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी आज की वीडियो में कि हम नैनो ग्रेनाइट कैसे कटिंग करें जिसके वजह से हमारा नैनो ग्रेनाइट क्रेक ना हो और टूटे ना और फटे ना। इसी को आप पूरा देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें नैनो ग्रेनाइट काटना चाहिए। दोस्तों ये हमारा 800 mm x 2600 mm का ग्रेनाइट है जो हम इस जगह पे कटिंग करने के लिए हम पहले बालू और सीमेंट का ठीहा बना रखे हुए हैं। इसी पे हम बनाकर और एक दिन बाद इस पे रख कर इस नैनो को कटिंग करेंगे, जिसके वजह से हमारा नैनो को बैलेंस एक बराबर लेवल पे होना चाहिए, जिससे हमारा नैनो ना फटे और ना क्रेक हो और ना टूटे। तो दोस्तों आप पहले इस तरीके का ठीहा बनाइए और ठीहा बना लेने के बाद एक दिन बाद नैनो कटिंग करें, जिसके वजह से आपका नैनो का बैलेंस अच्छे तरीके से बना हो और आप कटिंग करें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नैनो हमें कैसे कटिंग करना चाहिए जिसके वजह से किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आ सके। और हम दोस्तों आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, जो भी इसका ठीहा बनाइएगा जीरो लेवल पे बनाइएगा, उससे आपका जो भी बैलेंस बिगड़ेगा, तो अगर बैलेंस आपका इधर उधर हो रहा है तो जीरो लेवल बना देने के बाद आपका बैलेंस बिगड़ेगा नहीं, और हो सके आप महीन बालू का जरूर बेस बनाए जिससे एकदम फिनिशिंग आपको बेस मिले और आप काटते समय किसी भी बैलेंस का बिगड़ने नहीं देगा महीन बालू यानी बारीक बालू जो भी होता है, ठीक। और दोस्तों अब हम इस स्लैब को इस पे कल कटवाएंगे और इसको एक दिन के लिए सूखने के लिए हम इस बेस को रख देंगे, ठीक। और हम इसको दूसरे दिन इस पे नैनो कटिंग करेंगे, तब तक के लिए हम वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, आपको समझ में भी आएगा और पता भी चल पाएगा कि नैनो कटिंग करते हैं तो हमारा नैनो क्यों फट जाता है, क्यों टूट जाता है, क्यों क्रेक हो जाता है और काटने का तरीका भी क्या होना चाहिए। इसी पे इस वीडियो को मैं बना रहा हूं और दोस्तों ये देख सकते हैं कि हमने इसको फंट में पूरा एक लेबल किया हुआ है। अब हम बारेंगे दोस्तों कि जो हमारा नैनो है, देखिए दूसरे दिन इसी के ऊपर हम रख कर और इस तरीके से देखिए कट कर रहे हैं। पहले हम नाप लेते हैं और नाप ले लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का स्केल हो यानी पट्टी हो, जिसके वजह से हम रख कर और कटिंग करें नैनो के ऊपर। जब भी दोस्तों आप नैनो कटिंग करें तो एक बात को और ध्यान रखें कि आप जिस साइड पॉलिश हो उसी पे रख के कटिंग करें उसी साइड से, ताकि आपका नैनो क्रेक होने का चांसेस बहुत ही कम हो, क्योंकि अगर पीछे साइड से करेंगे तो बहुत ही जल्दी फटता है, अगर आगे से करेंगे तो आपका नैनो फटेगा नहीं, इस बात को ध्यान दें। दूसरी चीज़ एक चीज़ और नोटिस करें मेरे इस वीडियो में कि जब आपकी मशीन चलती है तो आप एक चीज़ दिमाग में ये रखिए कि कहीं आपके नैनो में स्क्रेच ना आए, इस बात को भी ध्यान रखें दोस्तों। अगर आपके मशीन में कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कोई धागा लेके और मशीन के जो भी 4 इंची का फर्मा ठीहा होता है उस पर आप लगा दीजिए अच्छे से, और लगा देने के बाद उसके बाद आप सीधा डायरेक्टली काटिए, स्क्रेच भी नहीं आएगा और पत्थर भी नहीं फटेगा। इस तरीके का आप एकदम टेक्निकली ये फॉल्ट होता है और इस चीज़ से आप सीख सकते हैं मेरे इस वीडियो में कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये समझ में आ गए होगा दोस्तों। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे चल के कि हमने जितना स्लैब काट के रखा हुआ है
आप देख सकते हैं मेरे इस वीडियो में सामने पूरा ये पोर्च है और इसमें जो भी हमने स्लैब लगा रखा हुआ है सारा स्लैब हमने काट लिया हुआ है और उसको अब हम यहाँ पास रख के जो हमारा धार है उसको हम पॉलिश से फिनिश कर रहे हैं ताकि हमारा इसमें फिनिशिंग मिल सके और अच्छी पॉलिश भी हो पाए। तो इसको हम कंप्लीट करा रहे हैं और दोस्तों ये हमारा 40 से 42 फीट लंबा स्लैब पूरा इसमें 5 पीस लग रही है और देखिए इसका जो भी हमने लंबा एरिया में रखा हुआ है एकदम फ्री जॉइंट पे रखा हुआ है और इसको हम अभी सेटिंग और पॉलिश कर रहे हैं और इसका फिटिंग बाद में करेंगे। आपको दिखाने के लिए हम स्पेस रखे हुए हैं कि देखिए पत्थर हमने काट कर और इसको रख दिया हुआ है इसके ऊपर और इसको जो दोस्तों देख सकते हैं इसकी चौड़ाई हमने 22 इंच स्लैब की ली हुई है। इसमें 22 इंच लेने के बाद हमारा आधा इंच आगे निकला रहेगा और आधा इंच अंदर साइड दोनों साइड आधा आधा इंच निकलेगा पत्थर का चौड़ाई ये साइज का है। और जब भी इस जगह का आप पत्थर लगाएं या नैनो लगाएं तो आपको केमिकल से लगाना चाहिए और केमिकल आपका सबसे हाई ग्रेड का केमिकल होना चाहिए नहीं तो बाद में आपका ये पत्थर निकल के बाहर गिर जाएगा और टूट भी जाएगा। इस तरीके के आप एकदम टेक्निकली बात बता रहा हूँ कि जो भी आप इसको लगाइएगा तो कोई ऐसे नॉर्मली एडिसिव से नहीं लगाना है नहीं तो आपका पत्थर निकल के बाहर गिरेगा। और दोस्तों जितना भी हमने स्लैब कटा हुआ है देखिए एकदम क्लियर कट हुआ है और फ्रेश कटिंग भी हुआ है किसी प्रकार का चिट और पिट कुछ भी नहीं हुआ है एकदम क्लियर धार कट ये हुआ है। आपको भी इसी तरीके से कटिंग करानी है आपको अपने नैने में जिसको जैसे आपको आप अच्छा से अच्छा काम करा पाएंगे और अच्छी फिनिशिंग के साथ आपका घर में काम भी हो पाएगी। और दोस्तों ये हमारा जो इस जगह पर लग रहा है ये हमारा रेलिंग है और रेलिंग के ऊपर हमारा ऐसे पोर्च बना हुआ है उस पर कुछ डिजाइन बनी हुई है पीओपी की और उसके ऊपर जो हमारा जगह बच रहा है अब उसके ऊपर से ये नैनो का हमारा टॉप लग रहा है जिसकी वजह से हमारा साफ सफाई और मेंटेनेंस में अच्छे से हम कर पाएंगे और कभी ये जो भी हमारा पीओपी का डिजाइन है वो खराब होने वाला नहीं है इसीलिए ये लगाया गया है।